अपने बेस्ट बॉलिंग की और इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो बॉलिंग कर रहे थे, लेफ्ट हैंडेड को गुड लेंथ पे बॉल कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज स्टार्ट हुई और आज जो है वो पाकिस्तान की टीम ने ये मैच जीता। चार मैचेस की ये सीरीज थी, वैसे तो पांच मैचेस की थी, एक मैच कम हुआ, चार मैचेस की रह गई। फिर जो पहला मैच होना था बारबाडोस में वो मैच हुआ नहीं, फिर उसके बाद अब तीन मैच रह गए, समझो तीन मैचेस की सीरीज थी, उसमें से एक जो मैच है आज जो है वो पाकिस्तान ने जीत लिया। बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मैच हुआ। पाकिस्तान की बैटिंग से ज़रा स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा फिर रिजवान ने और बाबर आजम ने रन्स किए, उसके अलावा कोई भी प्लेयर हमारा रन्स नहीं कर सका। टोटल 157 रन्स किए। सब ये सोच रहे थे कि वेस्ट इंडीज की इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, इसके खिलाफ 157 का जो टारगेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है और हम इससे भी बेहतर रन्स कर सकते थे, हम 157 से बेहतर कर सकते थे, हम 170-175 तक जा सकते थे। लेकिन लास्ट चार ओवर में आई थिंक 23 रन के अंदर हमारी 6 विकेट्स गिर गई हैं, जिसकी वजह से हम इतने रन्स नहीं कर सके। उसके अंदर आप देखें, हफीज़ भी आउट हुए, फिर शादाब भी आउट हुए, फिर फ़खर जमान भी आउट हुए, फिर हसन अली भी आउट हुए, शोएब मकसूद भी आउट हुए, ये सारे प्लेयर्स उन 6 विकेटों के अंदर थे। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते तो हम इससे बेहतर भी रन्स कर सकते थे। एनीवे, जब स्टार्ट हुई इनकी बैटिंग वेस्ट इंडीज़ की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग की है हफीज़ ने, बहुत ही आला किस्म की उसने बॉलिंग की है। 4 ओवर में 6 रन और 1 विकेट, आई थिंक अपने कैरियर की सबसे बेस्ट उन्होंने बॉलिंग कर दी। और बहुत से बॉलर्स ऐसे होंगे जिन्होंने इतने रन 4 ओवर में 6 रन कुछ इतने रन दिए होंगे, लेकिन हफीज़ ने जो है वो अपने बेस्ट बॉलिंग की और इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो बॉलिंग कर रहे थे, लेफ्ट हैंडेड को गुड लेंथ पे बॉल कर रहे थे, विकटों के बीच में बॉल कर रहे थे, ना मुंह पे बॉल कर रहे थे, ना बहुत पीछे बॉल कर रहे थे। और हफीज़ वैसे भी जब से वो पाकिस्तान टीम के अंदर आए हैं, जब से उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की है, उस टाइम से लेकर आज दिन तक हमेशा उन्होंने सर्किल में स्पेशली लेफ्ट हैंडेड को बहुत अच्छी बॉलिंग की है और हमेशा वो विकेट्स भी लेके देते थे। तो उसके बाद जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने, शादाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मोहम्मद वसीम एक्सपेंसिव रहे, लाइन लेंथ उनकी बिल्कुल नहीं थी, जाहिर सी बात है दूसरा मैच है, इतना आइडिया उनका था नहीं। लास्ट मैच भी आप देखें, खाली 9 ओवर का मैच हुआ, उसमें भी 1-2 ओवर किए उन्होंने। तो जब ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। उसके बाद पूरन ने जिस तरीके से रन्स किए, फॉर्म में बिल्कुल नहीं थे कुछ, अगर आप सीरीज़ देखें उसमें, लेकिन इस मैच के अंदर जो वो बैटिंग कर रहे थे, लग ऐसा रहता कि शायद वो मैच जितवा देंगे। और आखिरी ओवर में आई थिंक 20 रन चाहिए थे, बहुत अच्छी बॉलिंग की। सेकंड लास्ट ओवर में हसन अली को रन्स हुए, हसन अली को रन्स बहुत कम होते हैं, बहुत क्लेवर तरीके से बॉलिंग करते हैं, यॉर्कर्स बड़े अच्छे यूज़ करते हैं, स्लोमन बड़े अच्छे यूज़ करते हैं। आपने देखा क्रिस गेल को जिस तरीके से उन्होंने बोल्ड किया, उससे पहले जो उन्होंने 2-3 बोले फेस की उन्होंने स्लोमन की, लेकिन जिस बॉल पर बोल्ड वो एकदम से उन्होंने तेज़ यॉर्कर किया। देखें वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो जीती, उसके चांसेस ज़्यादा भी थे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के अंदर अगर आपके पास स्पिनर्स अच्छे नहीं हैं तो वेस्ट इंडीज़ की टीम फिर पकड़ सकती है किसी भी टीम को। ऑस्ट्रेलिया के पास इतने अच्छे स्पिनर्स नहीं थे मेरे ख्याल में, और जितने अच्छे स्पिनर्स पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान को इस टाइप की पिचेस में बहुत आइडिया है कि कब फ्लाइट करनी है, कब बॉल खींच के करना है, कब गुगली करना है। तो मेरे ख्याल में इस वजह से जो वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है इस टाइम, देखने में तो बहुत बड़ी टीम लग रही है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर लग रहे हैं, ऐसे लगता है ग्राउंड से बाहर छक्के मार देंगे, और है भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतना है तो उनको स्पेशली स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। और ये माइंड में अब उनके ज़रूर आया होगा कि अगर लेफ्ट हैंडेड जो प्लेयर हैं वो अगर सर्किल में आएंगे तो उनको फिर से दोबारा हफीज़ को फेस करना पड़ेगा। हो सकता है हफीज़ अगले मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग ना कर सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज का मैच जो है वो हफीज़ की वजह से जीते हैं। अगर हफीज़ 4 ओवर में 6 रन नहीं देते तो वेस्ट इंडीज़ की टीम ये मैच
मैच जीत जाती तो। और एक बात और बहुत ज़रूरी करनी थी कि आज़म खान का जिस तरह सबको पता चला कि उनको बॉल लगा, और सबकी दुआ ये है कि जल्दी से वो सेट हो जाए। और ये भी अच्छा लगा कि डगआउट में मेरी जो नज़र पड़ी थी वो शायद बैठे हुए नज़र भी आए थे। तो आज का मैच और अगला मैच उनको रोक दिया गया, उसके बाद जब लास्ट मैच होगा तो फिर अगर उनकी जगह बनती है या वो होते हैं तो फिर शायद वो मैच खेलें। अदरवाइज़ आज की जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की वो बहुत अच्छी थी। और मैं ये समझता हूँ और समझना चाहिए भी कि अगर पाकिस्तान की टीम चौथी रैंकिंग पे है और वेस्ट इंडीज़ की टीम 8वीं रैंकिंग पे है, और आज की जिस तरीके से बॉलिंग हुई है पाकिस्तान की, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये जो सीरीज़ है, मेरे हिसाब से ये जो सीरीज़ है पाकिस्तान को आराम से जीतनी चाहिए। हो सकता है पाकिस्तान इनको 3-0 से भी हरा दे, क्योंकि पाकिस्तान में एबिलिटी है, पाकिस्तान इनको तीनों मैचेस हरा सकता है। आज का मैच हरा दिया, अगले दो मैचेस भी हरा सकते हैं। बस ये जो थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हैं, जान गलत शॉट मार के अपने रन्स रोक देते हैं, कहीं ना कहीं गंदी बॉलिंग हो जाती है, इसको ज़रा थोड़ी सी कवर करने की ज़रूरत है। बाकी एनी वे वेल प्लेड और वेरी वेल बोल्ड मोहम्मद हफीज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।